अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स? आज मैं आप सभी के लिए यूपी स्पेशल जायका यानी कि अपने चैनल पर लेकर आई हूँ यूपी की बहुत ही पसंदीदा और फेमस रेसिपी, जिसे जानते हैं हम रगड़े के नाम से, जो वहाँ ढाबे और ठेली और होटल में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि हमें इसे कैसे बनाया है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने लिए हैं यहाँ पर सफ़ेद मटर आधा किलो और इसको मैं उबालूंगी। ये सफ़ेद मटर के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें बीच में से कट कर लिया है। और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून फूड कलर, जिससे कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा और ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। और 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें नमक। जब हम आलू को बीच में से कट करके उबालते हैं तो आलू हमारे जल्दी ही सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी ही गल जाते हैं। मैंने इसको कर दिया है मिक्स और 3 विसल लगने तक मैं इसको, प्रेशर निकलने के बाद मैं इसको खोलकर देखूंगी। तो 3 विसल लग चुकी है, मैं इसको खोलकर देख रही हूँ। तो देखिए हमारे जो सफ़ेद मटर हैं इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। आलू को मैं एक साइड निकाल लेती हूँ और मटर को अलग। आलू का यूज़ हम बाद में इसमें करेंगे। तो मैंने लिया है एक तवा और तवा गर्म होने पर मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। और ज़ीरे को मैं इस पर ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, मीडियम ब्राउन। डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है। और जब ये मीडियम ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैंने ऐड किया है तवे पर, गर्म तवे पर ही 10-15 के करीब सूखी लाल मिर्च, और इसको भी मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और इसको हम डार्क ब्राउन ड्राई रोस्ट करेंगे और जब ये रोस्ट हो जाएंगी तो इसको भी हम अलग निकाल लेंगे। ये हमारे ड्राई मसाले हैं जिसको हम सफ़ेद मटर यानी कि रगड़े की रेसिपी में शामिल करेंगे। तो देखिए इनका कलर डार्क हो चुका है, इनको मैं निकाल लेती हूँ। इनको हम निकाल लेते हैं। और मैंने करीब लिया है 4 टेबल स्पून साबुत धनिया, जिसे मैंने तवे पर डाल लिया है। और इसको भी हम डार्क ब्राउन होने तक अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। तो आज हम बना रहे हैं रगड़ा, और आप इसको जब खुद खाएंगे या अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाएंगे तो वो आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो मैं इसको एक ग्राइंडर में डाल लेती हूँ और इसको हमें ड्राई पीस लेना है। तो मैंने ली है एक पतीला जिसमें मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल, और ऑयल गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा जब हमारा चटक जाएगा तो मेरे पास ही 3 मीडियम साइज़ की अनियन, जिन्हें मैंने बारीक चॉप किया था, और इसे भी मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। और जब ये थोड़ी डार्क ब्राउन हो जाएंगी तो इसमें मैं ऐड करूँगी 15 या 20 के करीब हरी मिर्चें। आप जितना स्पाइसी पसंद करते हैं उतना आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने जो मसाला ग्राइंड किया है उसमें भी हमने सूखी लाल मिर्च को ऐड किया है। तो इसको हम ऑयल में अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। इन्हें हम फ्राई करेंगे और टमाटर जब हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसमें अपनी मटर डाल देंगे। ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक। नमक हमने मटर उबालते हुए भी ऐड किया था, तो नमक आप स्वाद अनुसार ही ऐड करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ उबली हुई सफ़ेद मटर, और इसको मसाले में मैं मीडियम फ्लेम पर, फ्लेम को हमें अभी मीडियम रखना है, और इसको मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके मटर थोड़े टाइट है तो आप इसमें एक ग्लास पानी ऐड करके इन्हें पका सकते हैं, और जब ये पक जाएंगे तो इसमें पिसा हुआ मसाला जो हमने ग्राइंड किया था, ड्राई ग्राइंड किया था, उसको हम सारे मसाले को इसमें डाल देंगे और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है और ये देखने में भी बहुत अच्छे हो रहे हैं और ये सॉफ़्ट भी हो चुके हैं। अगर आपके मटर सॉफ़्ट नहीं हुए हैं तो आप इसमें पानी ऐड करके इन्हें पका लें। ये हमारे आलू हैं जो हमने उबाले थे, इसको मैंने प्लेन ही मैश कर लिया है, और इसको करूँगी मैं अच्छे से मिक्स अपने मटर के साथ। इससे थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर और थोड़े ये गाढ़े लगते हैं खाने में, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है हम चने चबा रहे हैं, थोड़ा गाढ़ा टेक्सचर आ जाता है। थोड़ा सा मैं इसको घोट लूँगी
और ये हमारी तैयार हो चुकी है। इसको आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।